नमस्कार मित्रों, आप सभी का पीके सिंह फार्मा ने स्पिरिचुअल वीडियो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट टू की। पार्ट वन में हम लोगों ने टैबलेट के बारे में बात किया था, टैबलेट क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ टैबलेट, इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैबलेट के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट टू, जो कि मेनली है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ग्रेनुलेशन का इंट्रोडक्शन, रीजन ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ग्रेनुल्स के, कितने टाइप के ग्रेनुलेशन मेथड्स होते हैं और मैकेनिज्म ऑफ ग्रेनुल्स फॉर्मेशन की। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। ग्रेनुलेशन, सबसे पहले दिमाग में ये प्रश्न आता है, क्या हम लोग टैबलेट डायरेक्टली पाउडर यूज़ करके नहीं बना सकते? हम पाउडर को भी डायरेक्टली यूज़ करके टैबलेट बना सकते हैं, लेकिन जवाब होता है नहीं। तो नहीं तो मतलब क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती हैं फ़्लो प्रॉब्लम। बराबर जो है वो पाउडर का फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज आते हैं। दूसरा क्या होता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इशू। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मतलब जो कंटेंट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, वो वेरी करेगा। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब पाउडर को हम ऐसा कन्वर्ट करें कि जिससे इसका फ्लो प्रॉपर्टी भी बढ़ जाए और हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का इशू भी सॉल्व हो जाए? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन मेथड से। अभी सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन होता क्या है? ग्रेनुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से अधेयर होते हैं बाई बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल होंगे एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करके एक दूसरे से अधेयर हो जाएंगे और एक लार्ज पार्टिकल बनाते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। मीन्स अगर सरल भाषा में समझा जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, अधेयर होते हैं। अधेयर कैसे होंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू, और एक बड़ा लार्ज पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम ग्रेन्यूल कहते हैं। ग्रेनुलेशन को हम नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं साइज एनलार्जमेंट। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जिसको हम ग्रेनुलेशन कहते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, ए साइज इनलार्जमेंट मतलब साइज बढ़ाने का प्रोसेस है। ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल को फिजिकली स्ट्रॉन्गर और लार्जर एग्लोमेरेट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, ये हमारा बाइंडर ड्रॉपलेट्स है, ये पाउडर है, स्प्रेइंग होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा पाउडर है, ठीक है, ये मेरा बाइंडर है, बाइंडर के ड्रॉपलेट्स हैं। अब जब ये बाइंडर के ड्रॉपलेट्स पाउडर पे पड़ेंगे तो ये क्या वेटिंग होगा, वेटिंग होकर ये बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से ये अधेयर होंगे, अधेयर होंगे तो क्या होगा, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से अधेयर होकर एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेंगे और बाद में हमको एक बड़ा एग्लोमेरेट्स मिलता है। मतलब अगर छोटे छोटे पार्टिकल अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइंड होके बाई बॉन्ड एक लार्जर एग्लोमेरेट बनाते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, बाई जो फिजिकल स्ट्रॉन्गर एग्लोमेरेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको हम ग्रेनुल्स, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको ग्रेनुल्स बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को ग्रेनुलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं हम लोग। ग्रेनुलेशन का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सेग्रीगेशन ऑफ कंपोनेंट होता है ड्यूरिंग टैबलेटिंग और स्टोरेज। जैसा कि आपको मालूम है, जब हम पाउडर्स होते हैं उसमें एक यूनिफॉर्म साइज़ नहीं होता। सेग्रीगेशन मतलब क्या होगा कि जो पाउडर मिक्स होगा वो सेग्रीगेट हो जाएगा, बड़े पार्टिकल अलग हो जाएंगे और छोटे पार्टिकल अलग हो जाएंगे, जो कि एक मेन इशू है टैबलेटिंग में। ग्रेनुलेशन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या करता है, ये ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्रग होगी उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे जो मेन रीज़न है फ्लो द पाउडर मिक्स। ये क्या करता है, फ्लो प्रॉपर्टी को इन्हेंस करता है। मतलब पाउडर का फ्लो अच्छा होगा, अच्छा होगा तो हमारा टैबलेटिंग रिलेटेड इश्यूज कम आएंगे। अगर हम
पाउडर को ग्रेनुल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो डस्टिंग भी कम होगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पाउडर कंप्रेस करेंगे तो फाइंस रहेगा और डस्टिंग ज़्यादा क्रिएट होगी। बट लेकिन अगर हम उसको फार्मुलेशन में या ग्रेनुलेशन में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग डस्ट फ्री फार्मुलेशन जनरेट होती है। कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिक्स, ग्रेनुल्स बनाने से जो हमारा कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि टेबलेट अच्छे से कॉम्पैक्ट होती है। अब ग्रेनुल्स बनाने के बाद जब वो एक दूसरे से कंप्रेस होंगे तो उनका जो अपीयरेंस होगा ना वो ज़्यादा अच्छा एलिगेंट होगा कंपेयर टू नॉर्मल पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल होते हैं उन अगर वो उनको हम स्टोर करेंगे तो क्या करेंगे, एक ओवर ऑफ टाइम क्या करते हैं वो लोग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके केक बना लेते हैं अगर उसको हम पाउडर फॉर्म में स्टोर करेंगे। बट ग्रेनुल्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ग्रेनुल्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं, डेंस होते हैं देन द पेरेंट पाउडर। अब ग्रेनुल्स जो होगा अगर वो डेंस होगा, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, अगर वो ज़्यादा डेंस होगा तो वो कंपेयर टू पाउडर स्टोरेज करने के लिए कम जगह लेगा। अब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए ग्रेनुल्स की, ग्रेनुल्स जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रेनुल्स, जितने भी इंग्रेडिएंट जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जो जितना भी ग्रेनुलेशन में रहा है उसमें एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ग्रेनुल्स जो होता है वो डिफरेंट साइज और डेंसिटी, जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं मतलब हम लोग ग्रेनुल्स को जब हम लोग कंप्रेशन मशीन में कॉम्पैक्ट करके फाइनल टेबलेट में कन्वर्ट करते हैं उस केस में जो डिफरेंट साइज के ग्रेनुल्स हैं ठीक है वो सेपरेट नहीं होने चाहिए, सेपरेट नहीं होने चाहिए। अगर वो सेपरेट हो गए तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम यूज़ करते हैं तो मशीन में वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से डिफरेंट साइज के ग्रेनुल्स या जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। ग्रेनुल्स जो होता है उनके अंदर गुड डिसइंटीग्रेटिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए एंड लुब्रिकेशन टू रिड्यूस द डाइवॉल फ्रिक्शन। ग्रेनुल्स जो होता है उनके अंदर डिसइंटीग्रेटिंग मतलब जब हम टेबलेट को लेते हैं बाई ओरल रूट हम लोग टेबलेट को लेते हैं तो ये जाके जब जैसे ये लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आता है फ्लूड के कॉन्टैक्ट में आता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, इसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, जो टाइम लगता है उसको डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं। और ग्रेनुल्स में लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज अगर अच्छी होगी तो डाईवॉल और टेबलेट के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो रिड्यूस होगा। ग्रेनुल्स में सफिशियंट फाइंस होना चाहिए, फाइंस इसलिए होना चाहिए कि जो लार्ज पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उसको फिलअप करने के लिए ग्रेनुल्स में सफिशियंट फाइंस होना चाहिए, जिससे कि वो लार्ज पार्टिकल के बीच में जो गैप्स हैं वो उसको फिल कर सकें। जैसे ये लार्ज पार्टिकल हो गए ठीक है, ये लार्ज पार्टिकल हो गए, ये हो गए, अब इसके बीच में जो गैप्स हैं गैप अब इसको फिल करने के लिए इसमें फाइंस होने चाहिए जिससे कि इसके बीच की गैप को फिल कर सके इसीलिए इसमें सफिशियंट फाइंस भी होना चाहिए। ग्रेनुलेशन जो होता है वो सफिशियंट फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिससे कि ये स्ट्रांग टेबलेट बना टेबलेट जो है वो स्ट्रांग हो, मतलब इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब जब ग्रेनुल्स एक दूसरे से बाइंड हो तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि एक स्ट्रांग मतलब मजबूत टेबलेट बने जब हम लोग इसको कॉम्पैक्ट करें। ग्रेनुल्स होता है वो स्फेरिकल शेप में होना चाहिए, जिससे कि इसका फ्लो जो होता है वो यूनिफॉर्म होगा, जो कि टेबलेट के कांस्टेंट, अगर टेबलेट इसका फ्लो यूनिफॉर्म होगा तो जो हमको टेबलेट का वेट ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन मिलेगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब वेट वेरिएशन ज़्यादा नहीं आएगा। अब ग्रेनुल्स जो है वो टेक्निक्स होती है वो कई प्रकार की होती है, मेनली तीन टाइप्स की टेक्निक होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन होती है, ड्राई ग्रेनुलेशन होती है एंड वेट ग्रेनुलेशन होती है। तीन टेक्निक्स जो होती है वो ग्रेनुलेशन में यूज़ होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन। एक ये फ्लो चार्ट है, अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो ये मेरा ब्लेंड है। अगर मैं वेट ग्रेनुलेशन में जाऊंगा तो ये वेट ग्रेनुलेशन है, वेट ग्रेनुलेशन में क्या होगा, वेट ग्रेनुलेशन में हम लोग ग्रेनुलेटिंग फ्लूड यूज़ करते हैं, वाटर या कोई भी सॉल्वेंट जो कि टॉक्सिक ना हो, जो हमारा
ग्रेनुलेटिंग फ्लूड होगा वो से अकेले भी रह सकता है या विथ उसमें जो बाइंडर जो डिजॉल्व होगा, हम वो ग्रेनुलेटिंग फ्लूड इसमें अप्लाई करेंगे, ये ग्रेनुल्स बनेगा, उसके बाद लुब्रिकेशन और एडिशन करेंगे, बाद में मिक्सिंग होगी, कॉम्पैक्शन होगी और टेबलेटिंग होगी। ये जो है ये हमारा वेट ग्रेनुलेशन है। अगर हम ड्राई ग्रेनुलेशन की बात करेंगे इसमें कोई ग्रेनुलेटिंग फ्लूड नहीं हो जा यूज़ होता है, इसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके या तो इसको हम स्लग बनाएंगे या कॉम्पैक्ट करके मासेस बनाते हैं, बाद में उसको हम ब्रेक करते हैं, मिलिंग करते हैं, शिफ्टिंग होती है, बाद में लुब्रिकेशन होगा, मिक्सिंग लुब्रिकेंट मिक्सिंग, उसके बाद टेबलेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होगा, ये मेरा डायरेक्ट कंप्रेशन है, डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होगा, ये जो टेबलेट होगी वो डायरेक्ट हम शिफ्टिंग ब्लेंडिंग करेंगे, कॉम्पैक्शन करके उसको हम टेबलेटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है ये प्रोसेस फ्लो एक सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ग्रेनुलर फॉर्मेशन। ग्रेनुलर फॉर्मेशन होता कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई ग्रेनुलेशन में। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ना वो एक दूसरे से अधेयर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कॉम्पैक्शन फोर्स या प्रेशर अप्लाइड करते हैं, ठीक है। इसमें ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होगा, हम लोग पार्टिकल्स पे जो हमारा ब्लेंड रहेगा उसमें हम लोग कॉम्पैक्शन फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अधेयर हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कॉम्पैक्ट सीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जिसकी जो साइज़ होती है वो रिक्वायर्ड ग्रेनुलर साइज से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लोग मिलिंग और शिफ्टिंग करते हैं, हमारा डिज़ायर्ड ग्रेनुलर साइज है उसको अचीव करने के लिए। अब वेट ग्रेनुलेशन की अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या, हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं, ठीक है, लिक्विड यूज करते हैं बाय मैकेनिकल एजिटेशन। लिक्विड एडेड टू ड्राई पाउडर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पाउडर बाय मैकेनिकल एजिटेशन प्रोड्यूस इन ग्रेनुलेटर। वेट ग्रेनुलेशन में हम लोग ग्रेनुलेटिंग फ्लूड यूज़ करते हैं, इसमें पाउडर में हम लोग ग्रेनुलेटिंग फ्लूड यूज़ करते हैं और मैकेनिकल एजिटेशन देते हैं इन ग्रेनुलेटर, जिसके रिस्पॉन्स के थ्रू हमारा ग्रेनुल्स फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से अधेयर होते हैं, लिक्विड फिल्म बनाते हैं, बाद में वो फर्दर एजिटेशन होता है और ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के अटैच होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर उस पर कुछ पार्टिकल्स अटैच होते हैं, इससे इसका साइज इनलार्जमेंट प्रोसेस चलती रहती है। वेट ग्रेनुलेशन एक प्रेसिस मैकेनिज्म होती है जिसमें हम ड्राई पाउडर को ट्रांसफॉर्म करते हैं ग्रेनुल्स के बेड में। इसकी जो टेक्निक होती है वो थोड़ी बहुत वेरी करती है डिपेंड अपॉन द ग्रेनुलेशन इक्विपमेंट। अब इसमें दो तीन स्टेप होती है वेट ग्रेनुलेशन में। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लिएशन होता है, एक प्रोसेस होती है न्यूक्लिएशन में। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अधेयर होता है लिक्विड ब्रिज। न्यूक्लिएशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे से अधेयर होंगे, मतलब एक दूसरे से चिपकेंगे बाय लिक्विड ब्रिज। अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा, फिर वो तीसरे चौथे पाँचवें छठवें, इस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़ के एक पेंडुलर बॉडीज बनाती हैं। इसके बाद अगर फर्दर एजिटेशन हम करेंगे तो वो जो पेंडुलर बॉडीज होंगी वो डेंसीफाई होंगी, एक कैपिलरी स्टेट बनाती हैं, और ये जो बॉडीज़ होती हैं ये न्यूक्लियस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब दूसरा जो होता है वो फेज होता है वो ट्रांजिशन। अब जो न्यूक्लियाई होती है वो दो प्रोसेस के थ्रू ग्रो करती है, या तो सिंगल पार्टिकल जो है न्यूक्लियाई से अटैच हो, या दो न्यूक्लियाई एक दूसरे से अटैच हो जाए, या तो सिंगल पार्टिकल ऐड हो न्यूक्लियाई से बाय पेंडुलर ब्रिज। कोई सिंगल पार्टिकल है जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुई उससे जाके वो अटैच हो गई पेंडुलर ब्रिज के थ्रू, या तो एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई से जुड़ जाए। अब जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुई है वो क्या होगा, वो रिसेप्ड होगी। रिसेप्ट कैसे होगी, एजिटेशन, जब ग्रेनुलेटर में हम एजिटेशन मतलब एक टाइप का फोर्स समझ लीजिए, वो एजिटेशन के द्वारा वो रिसेप होगी। इसके बाद होती है बाल ग्रोथ। अब जो ग्रेनुल्स हमारे बन गए हैं ये लार्ज स्फेरिकल ग्रेनुल्स रहते हैं, पार्टिकल साइज जो उनका होता है वो इंक्रीज होता है विद टाइम एंड एजिटेशन। जैसे जैसे एजिटेशन और टाइम बढ़ता जाएगा इनकी जो साइज होगी वो बढ़ती जाएगी। अब बाल ग्रोथ की चार पॉसिबल मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म के थ्रू ये जो है ये बाल ग्रोथ होती है।
कोलेस जो होती है एक और दो ग्रेनुल्स जो होते हैं वो ज्वाइन होके एक बड़ा ग्रेनुल्स बनाते हैं। ब्रेकेज क्या होता है, ग्रेनुल्स जो बड़े हुए हैं वो टूटेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे और ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये जाके दूसरे ग्रेनुल से अटैच होंगे, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तीसरे में क्या है, एब्रेशन ट्रांसफ़र, जब हम एजिटेशन देंगे तो जो ग्रेनुल्स बेड होता है एट्रिशन होगा उसमें और जो मटेरियल होगा एट्रिशन ऑफ मटेरियल फॉर्म ग्रेनुल्स, एट्रिशन के थ्रू हमारा ग्रेनुल्स फॉर्म होता है और ये जो एब्रेडेड मटेरियल होते हैं ये अधेयर हो जाते हैं दूसरे ग्रेनुल्स पे, जिससे कि ग्रेनुल्स की साइज़ बढ़ती है। फोर्थ प्रोसेस जो है वो लेयरिंग है, जब इसमें क्या होता है, जब कोई पाउडर मिक्स हम बेड में ऐड करते हैं तो पाउडर जो होता है वो सरफेस पे अधेयर हो जाता है, ये नॉर्मली इंक्रीज करता है ग्रेनुल्स की साइज़ को। बट ये जो लेयरिंग प्रोसेस है ये एप्लीकेबल है लेयर्ड ग्रेनुल्स यूजिंग स्पोरोनाइजिंग जो इक्विपमेंट होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज बात किया ग्रेनुलेशन क्या होता है, ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं, ग्रेनुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ग्रेनुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और ग्रेनुलेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, ड्राई ग्रेनुलेशन की, डायरेक्ट कंप्रेशन की और वेट ग्रेनुलेशन की। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेनुलेशन की टेक्निक, डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।